मेकाहारा में बच्चे की मौत पर भड़के प्रवक्ता नितिन भंसाली, कहा स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर पा रहे हैं ढंग से काम तो मुझे बना दे स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर ले आऊँगा। जनता कांग्रेस 36 के तेज तरार प्रसिद्ध प्रदेश प्रवक्ता नितिन भंसाली ने अंबेडकर अस्पताल में हुई बच्चे की मौत पर दुख व्यक्त किया। अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए भंसाली ने कहा कि अंबेडकर अस्पताल में अव्यवस्थाओं के अभाव और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चों की मौत का मामला बेहद दुखद है, लेकिन इस मामले में केवल दुख नहीं जताया जा सकता है, इसके साथ ही प्रदेश सरकार और प्रशासन को भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप, तो उसमें आप बहुत दुख की बात है कि 6 बच्चों की मृत्यु आकस्मिक मृत्यु कुछ घंटों के बीच में हो जाती है और यहाँ के अस्पताल अधीक्षक ये कहते हैं कि हमारी इसमें कोई चूक नहीं हुई है। इसके पहले भी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से कुछ बच्चों की यहाँ पर मौत हुई थी, तब भी प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ा था और स्वास्थ्य मंत्री जो कि दम्भ भरते हैं विधानसभा में बड़ी बड़ी बातों का, सूपे बेड़ा की घटना कोई नहीं भूला, कोई नहीं भूला है। और रहा अम्बेडकर अस्पताल के जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहू का कुछ दिन पहले यहां पर प्रसव हुआ था, जब बड़ी VIP सुविधा वहां पर उनके लिए एक अरेंज की गई थी, और आज यहाँ पर देखिए आम नागरिकों की स्थिति क्या है। रोज की बात है, यहाँ विधायक भी, क्षेत्रीय विधायक भी कहते हैं कि मैं चौपाल लगाता हूँ, लेकिन यदि वो चौपाल लगाते होते और वास्तविक में यदि स्थितियाँ बेहतर होती तो एक साथ इन 6 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ये मांग करता है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर, यदि थोड़ी भी उनके अंदर में नैतिकता हो तो तत्काल अपने ऊपर इस मामले को अपने अधिकारों में लेते हुए, अपने ऊपर इसको पूरा ग्रहण करते हुए कहते हैं जो भी उसको, वो अपने पद से इस्तीफा दे। ये विवेक चौधरी को भी लगातार हटाने की मांग उठ रही है पर कहीं कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। विवेक चौधरी जी के ऊपर निश्चित तौर पर शासन के बड़े मंत्री और नेताओं का हाथ है, उनको हटाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, और वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा मलाईदार पद है ये, और यहाँ पर बैठकर निरंतर जो घटनाएँ घट रही हैं आप देखिए, जब कोई एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर स्ट्रेचर तक लोगों को अवेलेबल नहीं होते, बहुत दुखदायी घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं और इस परिवार के साथ हम पहले से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये भाई साहब यहाँ पर यहाँ के भाजपा के विधायक जो हैं वो चौपाल भी लगाते हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति नहीं सुधर पा रही, तो क्या उन्हें कहना चाहिए? अब वो उनको पूछिए, अभी वहाँ पीछे ही खड़े हैं, वो हर बार बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं चौपाल लगाता हूँ, मेरे को मेरे क्षेत्र के लोगों की बड़ी चिंता है, तो चिंता होती तो ये घटना थोड़ी घटती, ये चिंता और चिंतन में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनको वास्तविक धरातल पर इनको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ फोटो खिंचवाने और चौपाल लगाकर उसकी न्यूज बनाने का काम है। अरे जाँच है, कितनी कार्रवाइयाँ हुई इस प्रदेश में, हजारों प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो चाहे कोई और, जाँच करके लीपापोती करना ये सरकार की आदत हो चुकी है, और जाँच से कोई बात नहीं बनेगी। हमारी मांग है कि तत्काल इस पर एक्शन हो, विवेक चौधरी जी जो इस अस्पताल के अधीक्षक हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें और इन 6 बच्चों की मौत के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल 302 का मुकदमा दर्ज करके FIR कर उन्हें गिरफ्तार किया।